नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में। तो दोस्तों, आज हम एक और पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं और ये जो पोर्टफोलियो है ये है मिस्टर सतीश कुमार जी का। तो ये कहते हैं कि इन्होंने अभी पिछले 6 महीने से ही मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी है और ये जिस फील्ड के अंदर काम करते हैं वहाँ पर काफ़ी वर्क प्रेशर रहता है और ये अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि ये इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है इसका मैं एक बार रिव्यू करूं और इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है एकदम फोकस्ड अप्रोच रखी है। इन्होंने बिल्कुल फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाया है वेल्थ क्रिएशन के लिए। और ये एक चीज़ और कहते हैं दोस्तों, इन्होंने एक मेल और भेजा है मेरे को, उसमें ये कहते हैं कि ये एक रिस्की पोर्टफोलियो में और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और इन्होंने कुछ शेयर्स का नाम भी मेरे को बताया, लाइक KPIT, लेटेंट व्यू, सोना कॉमस्टार और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और अदानी विल्मर। तो इनका भी मैं वीडियो के लास्ट में रिव्यू करूँगा। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप में से भी कोई अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेरे को अपने पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके पोर्टफोलियो की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं इन्होंने कैसी इन्वेस्टमेंट करी है। तो इन्होंने लगभग दोस्तों 4,78,000 की इन्वेस्टमेंट करी है और इस पर अभी हमें कुछ ज़्यादा खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। लगभग 200 रुपये का प्रॉफिट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इनका पोर्टफोलियो का रिव्यू। तो इन्होंने कैसे पोर्टफोलियो बनाया वो आज हम समझेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें पहला शेयर जो हमें देखने को मिलता है वो बजाज फाइनेंस का, और बजाज फाइनेंस के इन्होंने लगभग 6 शेयर्स बाय कर रखे हैं और 42,000-43,000 का निवेश कर रखा है, जिसकी अभी हमें करंट वैल्यू लगभग 44,000 की देखने को मिल रहा है। तो ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है बजाज फाइनेंस के लिए, लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करके चल सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। NBFC में मार्केट लीडिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर देखते हैं इनकी लिस्ट का, जो है हमें देखने को मिलता है पॉलीकैब इंडिया भी काफ़ी अच्छी कंपनी इन्होंने चूज़ करी है। अगर हम हैवल्स के साथ कंपेयर करें पॉलीकैब को, तो पिछले 5 साल में देखें तो पॉलीकैब ने काफ़ी बेहतर रिटर्न निकाल कर दिए हैं इन कंपेरिजन टू हैवल्स। हैवल्स जरूर मार्केट लीडिंग कंपनी है लेकिन ये मिड कैप में आती है पॉलीकैब, और पॉलीकैब भी इस टाइम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो पॉलीकैब के हम देख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने 16 शेयर्स बाय कर रखे हैं और 35,000 का निवेश है, तो इसमें भी इनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इनकी वेल्थ हमें 43,000 की होती हुई देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इन्होंने जो अगला शेयर बाय करके चला है वो है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट काफ़ी अच्छी कंपनी इन्होंने चूज़ करी है केमिकल सेक्टर से। लगभग 16 शेयर इन्होंने बाय करे हैं और 36,000 का निवेश इन्होंने इसमें किया है, जिसकी अभी हमें करंट वैल्यू 37,000-38,000 की देखने को मिलती है। तो दीपक नाइट्रेट भी काफ़ी अच्छी कंपनी इन्होंने चूज़ करी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सोडियम नाइट्रेट के अंदर इनका लगभग ग्लोबली 70% का मार्केट शेयर है, तो उस चीज़ का बेनिफिट हमें इसमें देखने को मिलता है और मार्केट लीडिंग कंपनी है सोडियम नाइट्रेट के अंदर। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करके चल सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं इनके लिस्ट की। नेक्स्ट कंपनी जो हमें देखने को मिलती है वो है रिलैक्सो फुटवेयर के इन्होंने लगभग 29 शेयर्स बाय करे हैं और 35,000 का निवेश किया है इन्होंने, और जिसमें अभी हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। अभी ये थोड़ा सा लॉस में देखने को मिलता है, जैसे कि हम देख सकते हैं फुटवेयर के सारी शेयर अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये भी दोस्तों थोड़ा FMCG की तरह ही चलते हैं, जब FMCG कंपनीज अच्छा करती हैं तो उस टाइम पे ये भी अच्छा करते हैं, लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है रिलैक्सो। दोस्तों मार्केट लीडिंग कंपनी है फुटवेयर के अंदर, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रिलैक्सो के पास ही है, तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करने की राय रहेगी। अगला शेयर जो इन्होंने बाय कर रखा है दोस्तों वो है एवेन्यू सुपरमार्ट के लगभग 8 शेयर इन्होंने बाय करे हैं और 35,000-36,000 का निवेश इन्होंने इसमें किया है, और जिसमें अभी हमें थोड़ा सा लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। राधे किशन दमानी जी इसके प्रमोटर हैं, तो इस कंपनी में बिल्कुल भी डाउट करने की हमें जरूरत नहीं है। ये कंपनी अभी बस इसने स्टार्टिंग करी है अपनी मार्केट के अंदर, और ये ई कॉमर्स के अंदर भी स्टार्ट कर चुकी है, और काफ़ी अच्छा मार्केट रिटेल इनके काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी इनके पास है, और इनका जो रिटेल आउटलेट का स्पेस आप देखोगे, आपने भी अगर किसी दोस्तों ने अपनी सिटी के अंदर डीमार्ट में विजिट करोगे तो आप खुद देखोगे कि कितना बड़ा स्पेस इनके पास होता है जहाँ पे ये शोरूम खोलते हैं अपना। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करने की राय रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट शेयर जो इनकी लिस्ट में हमें देखने को मिलता है वो दोस्तों पीडी लाइट के लगभग 13 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं, 29,000 का निवेश है, और अभी इनको थोड़ा सा इस पर प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 33,000 इनके निवेश की वैल्यू हो चुकी है। तो पीडी लाइट भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है, तो इसके साथ भी लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अगले कंपनी दोस्तों इनके लिस्ट में हमें देखने को मिलती है एस्ट्रल के लगभग 15 शेयर इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं और 34,000
पे निवेश इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि पाइपिंग सेक्टर अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इनके शेयर में भी हमें उसका इंपैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू इसमें 34,000 से 31,000 तक हो गई है। तो एस्ट्रल भी अच्छी कंपनी है वैसे तो, लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करके चल सकते हैं। ये जो इनको लॉस अभी हो रहा है ये आने वाले समय में हमें कवर अप होता हुआ देखने को मिलेगा और प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा इसमें। तो दोस्तों इनकी लिस्ट में अगला शेयर जो हमें देखने को मिलता है वो है L&T इन्फोटेक। तो L&T इन्फोटेक के इन्होंने जो है 5 शेयर बाय कर रखे हैं, 33,000 का निवेश देखने को मिलता है और थोड़ा सा इन्होंने अपर लेवल पे जरूर बाय कर लिया, जिसके अभी हमें करंट वैल्यू लगभग 30,000 इनकी होती हुई देखने को मिलती है। लगभग 33,000 का निवेश है जिसकी अब हमें 30,000 की वैल्यू देखने को मिलती है। तो L&T इन्फोटेक भी दोस्तों अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो इसके साथ भी ये कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इनका ये जो लॉस है ये अभी हमें आने वाले समय में कवर अप होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इनकी लिस्ट में अब जो अगले कंपनी है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक के लगभग इन्होंने 18 शेयर्स बाय कर रखे और 27,000 का निवेश है, जिसकी करंट वैल्यू भी हमें अभी लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन HDFC बैंक जो मार्केट का प्राइवेट सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, तो इसके अंदर भी कोई डरने वाली बात नहीं, काफ़ी अच्छे वेल्थ बनाकर देगा, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है ये भी। अगला शेयर जो इनके लिस्ट में हमें देखने को मिलता है दोस्तों है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स के इन्होंने लगभग 35 शेयर्स बाय कर रखे हैं और 27,000 का निवेश इन्होंने बर्जर पेंट्स में कर रखा है और जिसमें अभी थोड़ा बहुत लॉस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, इसके साथ ये कंटिन्यू करके चल सकते हैं। जिनका जो लॉस है तो हमें थोड़े ही समय में कवर अप होता हुआ देखने को मिला और अच्छे प्रॉफिट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इनके अगले स्क्रीनशॉट की तरफ हम चलते हैं। अगला स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों उसमें देखते हैं हम, जैसे कि इन्होंने देखने को मिल रहा है टाइटन के शेयर बाय कर रखे हैं, टाइटन के लगभग 10 शेयर बाय कर रखे हैं और 21,000 का निवेश रखा है और इसमें इनको थोड़ा सा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिलता है। 25,000 की इसकी अब वैल्यू हो चुकी है। तो टाइटन भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है, ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर इनके काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम चलता है, जैसे कि हम जानते हैं तनिष्क और वॉचेस के अंदर टाइटन और फास्टैग जैसे काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम है जो ये इन्होंने बना रखा है अपनी गुडविल। और इसकी अब ये जैसे कि और चीज़ों के अंदर भी एक्सपेंड कर रही है, जैसे कि आई सेगमेंट के अंदर ये एक्सपेंड कर रही है कि इनके जो फ्रेम्स वगैरह हैं काफ़ी मार्केट लीडिंग ब्रांड बन चुके हैं अब आई सेगमेंट के अंदर। तो ये भी दोस्तों मार्केट लीडिंग कंपनी है, इसके अंदर भी ये निवेश करके चल सकते हैं, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चल सकते हैं। अगले शेयर जो इनकी लिस्ट में हमें देखने को मिलता है दोस्तों वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लगभग इन्होंने 102 शेयर बाय कर रखे हैं, 22,000 का निवेश है और उसकी वैल्यू अभी हमें देखने को मिलती है लगभग 24,500। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी दोस्तों काफ़ी अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें इनको कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि आने वाले समय में पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जैसे कि हमें पावर की डिमांड बढ़ती है तो उसका सीधा बेनिफिट हमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर भी आता हुआ देखने को मिलेगा। अगला शेयर जो इन्होंने बाय कर रखा है दोस्तों वो है InfoEdge। InfoEdge के लगभग इन्होंने 5 शेयर बाय कर रखे हैं और 27,000 का निवेश है और जिसकी अभी करंट वैल्यू हमें देखने को मिलती है 24,000 की। तो इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म के लिए करके चल सकता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अगली कंपनी जो है दोस्तों वो जुबिलेंट फूडवर्क्स, जिसके डोमिनोज पिज़्ज़ा आते हैं आप सब जानते होंगे, उसके इन्होंने 8 शेयर्स बाय कर रखे हैं और 28,000 का निवेश इन्होंने इसके अंदर किया है। थोड़ा हायर लेवल पर जरूर इन्होंने बाय कर लिया है, जिसकी अभी वैल्यू जहाँ 28,000 इन्होंने निवेश किया था अब उसकी वैल्यू 22,000 रह गई है। तो इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, अच्छी कंपनी है, ये लॉसेस इनके कवर अप होते हुए देखने को मिल सकते हैं हमें आने वाले समय में। तो अगला शेयर जो इनकी लिस्ट में हमें देखने को मिलता है वो दोस्तों एप्पल इंडिया। एप्पल के इन्होंने लगभग 17 शेयर्स बाय कर रखे हैं, 20,000 का निवेश इन्होंने एप्पल में कर रखा है, जिसकी करंट वैल्यू अभी हमें 21,000 के आसपास देखने को मिलती है। तो एप्पल भी दोस्तों फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करती है, IT में काफ़ी अच्छा इन्होंने पकड़ बना रखी है और ये एडसीन से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो एप्पल में भी दोस्तों ये कंटिन्यू करके चल सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसमें भी बने रहने की राय रहेगी। अगली कंपनी दोस्तों जो इनकी लिस्ट में हमें देखने को मिलती है वो हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड के लगभग इन्होंने 18 शेयर्स बाय कर रखे हैं, 22,000 का निवेश और जिसकी अभी करंट वैल्यू हमें 20,000 देखने को मिलती है। थोड़ा सा लॉस जरूर देखने को मिल रहा है इसमें, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड जो है दोस्तों फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर काम करती है, रोबोटिक्स के अंदर जो आने वाले समय में ड्रोन्स देखने को मिलेंगे तो उस सब टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करती है और इंटरनेट ऑफ
थिंग्स जो है आने वाले फ्यूचर में बिग डाटा हैंडलिंग, इन सभी के अंदर ये हैप्पीनेसमेंट काम करती है, तो इसमें भी ये लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की तरफ देख चलते हैं। तो दोस्तों यही थे इनकी लिस्ट में शेयर्स जो इन्होंने बाय कर रखे थे, 16 शेयर्स इन्होंने लगभग अपने पोर्टफोलियो में बाय कर रखे हैं। तो दोस्तों इन सब में इनकी बने रहने की राय रहेगी, इन्होंने काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, काफ़ी फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाया है, और कुछ शेयर्स और मैं इनको सजेस्ट करूँगा जिसमें ये जिनको ये बाय करके चल सकते हैं। तो पहला शेयर जो है दोस्तों उसमें वो है CDSL। तो CDSL में निवेश करने की राय रहेगी, CDSL भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए CDSL भी काफ़ी अच्छी कंपनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही मार्केट में नए नए इन्वेस्टर आएंगे उसका सीधा बेनिफिट हमें CDSL के शेयर प्राइस में होता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी नेक्स्ट कंपनी दोस्तों जो इनको एडवाइज्ड रहेगी वो है डिवीज लैब। अगर ये फार्मा के अंदर इन्होंने कुछ भी बाय नहीं किया है तो फार्मा में अगर ये थोड़ा बहुत निवेश करके चले तो सही रहेगा। फार्मा के अंदर मार्केट लीडिंग कंपनी जो है दोस्तों वो डिवीज लैब, तो उसके शेयर बाय करके चल सकते हैं। थर्ड कंपनी जो मैं इसको उनको सजेस्ट करूँगा वो इंश्योरेंस सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर में अगर ये SBI लाइफ या HDFC लाइफ बाय करे तो इन दोनों में से कोई सा भी एक कंपनी बाय करके चल सकते हैं। चौथी कंपनी रहेगी इन्फोसिस के अंदर या फिर TCS के अंदर, इन दोनों में से किसी एक कंपनी के अंदर ये बाय करके चल सकते हैं। ये दोनों कंपनियाँ बहुत ही बेहतरीन कंपनियाँ हैं। और नेक्स्ट कंपनी जो इनको मैं सजेस्ट करूँगा वो है रिलायंस। मार्केट का जो लीडर है उसको तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, तो रिलायंस भी बाय करने की राय रहेगी। नेक्स्ट कंपनी जो है वो है FMCG सेक्टर से, मैं इनको सजेस्ट करूँगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या फिर डाबर या मैरिको के अंदर भी बाय करके चल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मैं इनको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से दूंगा, ये बाय करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है फ्यूचर के हिसाब से, जो अब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम कर रही है और पावर सेक्टर से भी बिलोंग करती है, वो है टाटा पावर। तो टाटा पावर के अंदर भी इनको मैं निवेश करने की सलाह दूंगा, थोड़ा बहुत ही निवेश टाटा पावर के अंदर भी करके चल सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा था कि जैसे अगर ये लगभग अभी 25,000 से 30,000 और निवेश करना चाहते हैं और किसी रिस्की शेयर के अंदर निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि KPIT, लेटेंट व्यू, सोना कॉमस्टार, लक्ष्मी ऑर्गेनिक या फिर अदानी विल्मर, तो इन सारे शेयर्स का हम थोड़ा शॉर्ट में रिव्यू समझने की कोशिश करेंगे कि और मैं इनको सजेस्ट करूँगी किस में निवेश करके चल सकते हैं। तो पहली कंपनी जो इन्होंने पूछी है दोस्तों वो है KPIT टेक। तो KPIT टेक का मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ये क्या काम करती है, ये जो भी मार्केट की लीडिंग कंपनीज है जैसे कि BMW वगैरह हो गई, तो इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सॉफ्टवेयर ये कंपनियाँ मैन्युफैक्चर करती है KPIT, और ये जो 75% रेवेन्यू जनरेट करती है अपना पैसेंजर व्हीकल से जनरेट करती है। और इनका जो स्ट्रेटजी है जो है दोस्तों वो है मतलब जो भी मार्केट के लीडिंग ब्रांड्स हैं, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं उन सबको ये टारगेट करती है। और इनका मैं बताना चाहूँगा क्लाइंट बेस में BMW भी आती है, BMW भी इनका एक क्लाइंट है, उनकी कारों में भी इनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो KPIT का मैं बताना चाहूँगा लगभग अभी मार्केट कैप हमें 16,000 के आसपास देखने को मिलता है और रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 12.6% की देखने को मिलती है, वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का देखने को मिलता है, वहीं अभी 66 की PE पे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो KPIT भी ये बाय करके चल सकते हैं, अच्छी कंपनी है दोस्तों। अब चलो अगली कंपनी की तरफ हम समझने की कोशिश करते हैं। अगली कंपनी जो है दोस्तों लेटेंट व्यू का इन्होंने जानना चाहे, तो लेटेंट व्यू का मैं बताता हूँ कि क्या काम करती है। लेटेंट व्यू दोस्तों डाटा इंजीनियरिंग के अंदर काम करती है, जितने बड़े बड़े डाटाज होते हैं उन सबको ये रिपोर्ट्स बनाती है। ये फ्यूचर की आने वाली सेल्स ग्रोथ हो गई, जैसे कोई कंपनी अपनी सेल्स ग्रोथ जानना चाहती है तो हिस्ट्री देख के ये उनकी सेल्स ग्रोथ को एनालाइज करते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर तुम्हारी इतनी सेल्स रह सकती है, तो ये प्रिडिक्ट करते हैं बड़े बड़े डाटा से, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो वो सारे काम ये लेटेंट व्यू करती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी फॉर्चून 500 कंपनीज हैं उसकी 30 कंपनीज के साथ ये काम करके इनके जो क्लाइंट्स हैं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इनका जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जहाँ से ये जनरेट करते हैं वो है दोस्तों एडोब जैसे अच्छा ब्रांड इनके साथ जुड़ा हुआ है, वहीं 7-Eleven, Uber, ये सारे ब्रांड्स इनके साथ टाइप है, इन सबको ये रिपोर्ट्स बना कर देते हैं, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों वहीं इनके मार्केट कैप अगर देखें तो मार्केट कैप हमें लगभग 10,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22.8% का ROE देखने को मिलता है हमें इस कंपनी में, और वहीं 26.7% का ROCE देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं अभी इसकी जो अभी जिस PE पर ट्रेड कर रहा है वो है 114 के PE पर ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो सोना कॉमस्टार अब हम हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी जिस पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में रिव्यू करें।
करेंगे, वहीं लेटेंट व्यू भी हमें अच्छा देखने को मिलता है, उसमें भी बाय करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अगर नेक्स्ट कंपनी देखें तो जो है वो है सोना कॉमस्टार। सोना कॉमस्टार का मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जितने भी ऑटोमोटिव सिस्टम्स होते हैं उन सबकी ये डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जहाँ पे ये हम इसका ये भी हमें फ्यूचरिस्टिक कंपनी लगती है, क्योंकि ये जो जितने भी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे उन सबकी जो मोटर्स का डिज़ाइनिंग का और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उस चीज़ के अंदर ये मार्केट लीडिंग कंपनी है सोना कॉमस्टार। और इसके साथ साथ ये गेयर्स वगैरह और असेंबलीज जो होते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये काम करती है, सब भी ये मैन्युफैक्चर करती है। तो सोना कॉमस्टार भी दोस्तों बाय करके चल सकते हैं, अच्छी कंपनी है। और इसके मैं क्लाइंट्स का मैं आपको बताना चाहूँगा, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिनॉल्ट, एस्कॉर्ट्स, मारुति, वोल्वो, आइशर, ये सारी कंपनियाँ सोना कॉमस्टार के क्लाइंट्स हैं। उन सभी को ये डिज़ाइनिंग और मोटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स बन मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करती है, और गेयर सिस्टम जो भी है ये सब इनको प्रोवाइड करती है। वहीं इसकी मार्केट कैप देखे दोस्तों तो हमें 38,000 की मार्केट कैप देखने को मिलती है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17 का हमें ROE देखने को मिलता है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम समझने की कोशिश करें तो 17.6 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें इस कंपनी में देखने को मिलता है। तो ये भी अच्छी कंपनी है दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसमें भी ये बाय करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है इन्होंने पूछी है मेरे से वो है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का बताना चाहूँगा, स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली काफ़ी अच्छी कंपनी है। एस्ट्राइल करके जो केमिकल आता है उसकी मार्केट लीडिंग कंपनी है दोस्तों। और इनका जो सॉल्वेंट्स हैं वो किन किन सेक्टर में काम में आते हैं वो सब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि फार्मा के अंदर, एग्रोकेमिकल के अंदर, फूड पैकेजिंग के अंदर, पेंट्स के अंदर, उन सबकी सभी के जो एडिटिव्स होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। वहीं इसके मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 12,000 करोड़ की मार्केट कैप हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स से देखने को मिलती है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 17% के देखने को मिलते हैं। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 20% का देखने को मिलता है। वहीं अभी ये कंपनी 51 के पी पर ट्रेड होती हुई देखने को मिलती है। तो ये भी दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो इसमें भी बाय करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों जो इन्होंने पूछी है वो अदानी विल्मर। अदानी विल्मर का मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपके घर में भी अदानी विल्मर के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि फॉर्चून रिफाइंड हमने नाम सुना होगा, एडिबल ऑयल्स के अंदर फॉर्चून का आटा भी आता है, पल्सेस भी आती हैं और शुगर भी आती है और राइस भी अब आने लगे। तो ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सब अदानी विल्मर के प्रोडक्ट्स हैं और ये FMCG की कंपनी है दोस्तों। FMCG में मैंने आपको टाटा कंज्यूमर में बाय करने की राय दी थी, तो आप उसी में ही बने रहना। अदानी विल्मर में थोड़ी सी वॉलेटाइल देखने को मिलती है, ये अभी लेटेस्ट लिस्टिंग, ज़्यादा कोई पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो अदानी विल्मर का शेयर भी अभी थोड़ा स्टेबल नहीं हुआ है, कहीं भी कंसोलिडेट नहीं करता है, डेली बेसिस पर हमें इसमें सर्किट्स देखने को मिलते हैं, तो अभी इसको अवॉइड करने की राय रहेगी दोस्तों। तो अगर आप किसी एक कंपनी को बाय करके चलना चाहते हैं इस समय पर, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये सोना कॉमस्टार में अपने पैसे लगा कर चल सकते हैं, 25 से 30,000। सोना कॉमस्टार काफ़ी अच्छी कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। इन सारी कंपनी में से अगर किसी एक में लगाना चाहते हैं दोस्तों, सोना कॉमस्टार का मेरे हिसाब से मेरी साइड से सजेस्टेड रहेगी, तो इसमें ये बाय करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था इनके पोर्टफोलियो का एक शॉर्ट रिव्यू। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में आपके पोर्टफोलियो भी जरूर रिव्यू करूँगा। अगर दोस्तों अगर आपके पास भी इनमें से कोई शेयर हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आने वाले समय में देखने के लिए। थैंक यू।